सिविक सेंटर वेल्डेक्स ग्राउंड कला मंदिर के पास लगा स्वदेशी खादी महोत्सव इन दिनों शहरवासियों की पहली पसंद बना हुआ है। एक ही छत के नीचे मनपसंद की खरीदारी करने रोजाना ग्राहक पहुंच रहे हैं। इस्पात नगरी के हृदय स्थल सिविक सेंटर वेल्डेक्स ग्राउंड में लगा स्वदेशी खादी मेला शहरवासियों को खरीदारी करने काफी लुभा रहा है। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की वस्त्रों, परिधानों, कारपेट, खानपान, साज सज्जा की वस्तुएं खरीदने लोग रोजाना यहां पर हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं। परिधानों में अनेकों रेंज क्वालिटी के साथ ही किफायती दरों में उपलब्ध है। चप्पलों में अनेकों वैरायटियां, कारपेट, बेडशीट, सोफा कवर के साथ खानपान में अनेकों प्रकार के अचार, पापड़, घर साज सज्जा के सामान। वहीं साड़ियों में कांजीवरम, तांत सिल्क, कॉटन, जरीकोटा आदि ग्राहकों को काफी लुभा रही है। यह खरीदारी करने आए लोग काफी संतुष्ट नजर आए। मैडम कैसा लग रहा है मेले का सब मटेरियल कैसा? अच्छा, क्या क्या खरीदी की आपने? मैंने ये पोचमपल्ली सलवार सूट लिया है और कॉटन साड़ी ली हुई है। खादी स्वदेशी महोत्सव कैसा लगा? खादी और कॉटन अच्छा लगा मुझे। अच्छी चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। खादी स्वदेशी महोत्सव में आपकी क्या क्या पसंद के हैं? हाँ, कपड़े तो अच्छे हैं, साड़ियाँ वगैरह बहुत अच्छी है, सूट अच्छे हैं। आपने ली, पसंद आ रहे? हाँ, सोच तो रहे लेने की, देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। स्वदेशी खादी महोत्सव कैसा लगा? अच्छा लगा है, बच्चे लोग लिए, शर्ट वर्ट लिए, बाकी अच्छा। रेंज कैसी लगी? बढ़िया है, वैरायटी सब अच्छे हैं। मैम तो वैरायटी कैसी लगी? अच्छा है, मेरा पहले बार है, बहुत अच्छा लगा। इसके पहले तो ऐसे कभी दिखा ही नहीं था, काफ़ी अच्छा लगा ये। अच्छा लगा, बहुत अच्छा। खादी स्वदेशी महोत्सव में क्या क्या खरीदारी किया आपने? अभी तक तो कुछ नहीं किया, अभी देखते हैं। देखें यार, अभी बच्चों का इंजॉय। हाँ, क्या क्या अच्छा लगा इसमें? नहीं, बहुत अच्छा है, वैरायटी है। रेंज कैसी है? नहीं, रेंज सही है कपड़े का। आप खरीदें? हाँ, मैं खरीदी, ये दरी खरीदी और कपड़ा है इनका दुकान से, खर्चा अच्छा लगा। तो देर किस बात की है, आप भी इस त्योहारी सीजन में मनपसंद खरीदारी करने सिविक सेंटर वेल्डेक्स ग्राउंड में लगे स्वदेशी खादी मेले में पहुंचे और एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की चीजों की खरीदारी करें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।